तो लगातार इसराइल पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ हिजबुल्ला ही हमले नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार चार तरफ से इसराइल पर हमले हो रहे हैं। ये हमले कहां कहां से हो रहे हैं? एक बार इसराइल हमला करता है, फिर हिजबुल्ला की तरफ से हमला होता है, और अब तो चौतरफा हमले हो रहे हैं। कौन कौन इस हमले में शामिल है, इसराइल किस तरह से इनका जवाब दे रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अब बताया जा रहा है कि सिर्फ हिजबुल्ला की तरफ से ही हमले नहीं हो रहे हैं, जो हमले पीछे कुछ दिनों में हमने देखे कि ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, अब तो कहा जा रहा है कि चौतरफा हमले झेल रहा है इसराइल। कहां कहां से हमले हो रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए नीलू, ठीक है, आपने पिछले 10 महीने के सबसे बड़ा अटैक जो है वो इसराइल के ऊपर इस समय जारी है, और जो आप जो चौतरफा हमलों की बात कर रहे हैं, अगर वो हम बताएं तो देखिए उत्तरी इसराइल पर लेबनान से हिजबुल्ला जो है वो रॉकेट से हमले कर रहा है, तो आप अगर लेबनान वाला बॉर्डर देखें तो वहां से जो है हिजबुल्ला के अटैक हो रहे हैं। अगर आप सेंट्रल इसराइल की बात करें तो गाजा से हमास जो है वो अपने रॉकेट्स और मिसाइल से वहां से हमले हो रहे हैं, तो देखिए सेंट्रल इसराइल पर भी हमला हो रहा है। अगर हम दक्षिणी इसराइल की बात करें, दक्षिणी इसराइल की बात करें तो लाल सागर से हूती जो है वो उसने भी जो है रॉकेट से इसराइल पे हमले शुरू कर दिए हैं। तो तीन तरफ तो ये हो गया। और अगर उत्तर पूर्वी इसराइल की हम बात करें तो उत्तर पूर्वी इसराइल में सीरिया से हमले हो रहे हैं। अच्छा। और सीरिया में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है ये जो है लगातार इसराइल को निशाना बना रहा है। तो आप देखिए ये पहला मौका है जब इसराइल मानो चारों तरफ से घिर चुका है, जो आप कह रही थी, और जबरदस्त हमले हो रहे हैं। और नीलू, ऐसा कहा जा रहा है कि अभी देखिए गाजा से हमास ने जो है वो काफी सारे रॉकेट्स और ड्रोन से भी जो है वो इसराइल पे हमला किया है, और इसी बीच में एक T-90 मिसाइल है, ये कहते हैं कि T-90 मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो हमास ने किया है, और इसको तेल अवीव पे फायर किया गया, और इसका एक वीडियो भी बकायदा हमास ने जो है वो रिलीज किया है जिसमें वो ये मिसाइल गिरती दिख रही है। उसी तरह एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो पिछला हमला हिजबुल्ला की तरफ से हुआ इसराइल पे, नॉर्थ इसराइल पे, बताया जा रहा है कि करीब 12 ठिकाने ऐसे थे जहां पे करीब 300 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं वो हिजबुल्ला की तरफ से फायर किए गए। उसमें दो एयरबेस को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इसराइल के। उसमें एक एयरबेस वो एयरबेस है नीलू जहां से फाइटर प्लेन्स ने उड़ान भरी थी, और फुआद शुक्र जो है हिजबुल्ला के जो कमांडर थे, इनको इनके ऊपर जब अटैक किया गया, इनके इनको जब निशाना बनाया गया, इनकी हत्या की गई, तो जिस एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था उस एयर बेस को हिजबुल्ला ने निशाना बनाया है। तो आप देखिए पिछले वीडियो में जो आपने कहा था कि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो रेकी के लिए भी हो रहा है, जैसा हमने पिछली बार बात की थी, तो बकायदा हिजबुल्ला ने इसराइल के कई ठिकानों की रेकी की है, और जो हम देख रहे थे कि काफी समय लगा एक प्लान तैयार हो रहा था, बकायदा इसराइल में रेकी हो रही थी कि कहां से निशाने, कहां पे निशाने बनाने हैं, कहां पे इसराइल की आर्मी है, कहां पे उनके हथियार रखे हैं, और उसको हिजबुल्ला ने जो है निशाना बनाया है। और एक अभी नसरल्ला जो चीफ है हिजबुल्ला के, इनका एक वीडियो भी जारी किया गया पिछला जो हमला हुआ हिजबुल्ला ने जो हमला किया उसके बाद, और उसमें नसरल्ला ने ये कहा है कि भाई जो फुआद शुक्र थे, अच्छा इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें नसरल्ला के बगल में जो है वो फुआद शुक्र जो है उनके जो कमांडर थे जो मारे गए, उनकी फोटो भी लगी हुई थी, और नसरल्ला ने इसमें कहा कि भाई बदला तो हमें लेना ही था, और पूरे इलाके में एक जो समीकरण है वो बनाए रखना बहुत जरूरी था, ऐसा ना हो कि इसराइल जो है उसको डोमिनेट करने लगे, इसलिए ये जवाब देना जरूरी था, और हमने नसरल्ला हमने जो फुआद शुक्र का जो है बदला ले लिया, इस तरह का वीडियो जो है। लेकिन मयंक, सबसे बड़ी बात है, इधर बदला लेने की बात हिजबुल्ला हमास इन सभी की तरफ से की जा रही है, लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि देखिए अगर हम पर वार किया जाएगा तो हम भी नक्शा बदल कर रख देंगे लेबनान का, और कहा यह जा रहा है कि जो हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट भी दागे गए या हमला किया गया इसराइल पर, वो रिहायशी इलाकों से किया जा रहा है। उनका कहना है कि रिहायशी इलाकों में अस्पताल स्कूलों के पीछे छिप कर ये सब कुछ हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वहाँ के लोग मारे जाए, लेकिन हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही है कि अगर हमें आप नुकसान पहुँचाएंगे तो हम भी आपको बख्शेंगे। बिल्कुल, इसराइल ने भी देखिए हिजबुल्ला के जो रॉकेट्स अटैक हुए उसके बाद जो है इसराइल ने भी बहुत जबरदस्त पलटवार किया है, और दो जगह इस समय इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। एक तो गाजा में जो है वो इसराइल की फोर्सेस ने बड़ा ऑपरेशन किया है, और बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हमास ने सुरंगें बनाई हुई थी उसमें शायद एक जो बंधक थे उनको छुड़ा भी लिया गया, और वहाँ पे जबरदस्त जो है वो बमबारी जारी है। वैसी वेस्ट बैंक का जेनिन इलाका है, यहाँ पे जो है इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस जो है वो अंदर घुसी है और टैंक से भी हमले किए गए हैं। तो इसराइल की ग्राउंड फोर्सेस अंदर दाखिल हुई है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब इसराइल
इसराइल की तरफ से, मतलब पहले हिजबुल्ला ने हमला किया रविवार को देर रात, जिस तरह के हमले हुए, फिर इसराइल ने अपनी तरफ से पूरे दमखम के साथ हमला किया है। अब इसराइल की फोर्सेज ये कह रही है और सरकार ये कह रही है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लेबनान के अंदर तक दाखिल हो जाएंगे, हमारी फोर्सेज दाखिल हो जाएंगे, इस तरह की धमकी भी नेतन्याहू की तरफ से दी गई। देखिए, इसराइल की रणनीति बिल्कुल साफ है पहले से ही कि अगर उन्हें इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है मोसाद से कि भाई उनके ऊपर एयर स्ट्राइक, किसी भी तरह का स्ट्राइक होने वाला है, चाहे रॉकेट से चाहे मिसाइल से, तो इसके पहले कि सामने वाला दुश्मन हमला करे, इसराइल उसके ऊपर पहले से ही हमला कर देता है। तो देखिए, ये जो हिजबुल्ला ने अटैक किया उसका जबरदस्त पलटवार जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया है। अब लेकिन देखना ये है कि अगले 24 घंटे में क्या, या 24 से 48 घंटे में क्या जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, इनकी तरफ से किस तरह से जो है वो बात आगे बढ़ती है। अच्छा नीलू, एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है कि अभी जैसा हमने बताया कि चार तरफ से इसराइल घिरा हुआ है और ये चारों तो लड़ी रहे हैं, इसके अलावा एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है और वो खबर ये है कि जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग जो हैं, इन्होंने ये हिजबुल्ला की मदद के लिए अब खुल के सामने आ गए हैं और कहा जा रहा है कि जो रॉकेट्स हिजबुल्ला के पास पहुंचे हैं इसमें काफी सारे रॉकेट्स और ड्रोन जो है वो नॉर्थ कोरिया सप्लाई कर रहा है। अच्छा। ऐसी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो हथियारों की खेप है ये रशिया पहुंचाई गई, नॉर्थ कोरिया जो है इसे रूस पहुंचा रहा है और इसका इस्तेमाल न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ हो रहा है बल्कि इसका इस्तेमाल जो है वो अब इसराइल के खिलाफ भी हो रहा है और हिजबुल्ला को ये रॉकेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, एक गौर करने वाली बात नीलू ये भी है कि आप देखें कि पिछले कुछ समय में किम जोंग की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से मल्टीपल रॉकेट्स टेस्टिंग की गई है। इसका एक वीडियो भी अभी एक दिन पहले ही सामने आया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किम जोंग जो है वो सिस्टम को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है मल्टीपल रॉकेट्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं। उसी तरह से जो है सुसाइड ड्रोन, आजकल देखिए कि ये सुसाइड ड्रोन जो है वो बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा है इस युद्ध में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के जो हालात इस वक्त, उसमें ड्रोन की भूमिका बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये भी है कि हथियार भी हमने देखा नए नए तरीके से अलग अलग जगहों से हथियार अलग अलग समय पर, कभी अभी एक बताया जा रहा है कि अमेरिका ने शायद इसराइल को एक कह सकते हैं प्लेन दिया है या युद्धवर्त F-35 की शायद, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। यानी यहाँ पर हथियारों का प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से, आपके पास अगर ये हथियार है तो मेरे पास ये हथियार है, इसकी होड़ भी यहाँ पर देखने को मिली है और एक से बढ़कर एक हथियार यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। एक तरह से जिसका आप जिक्र कर रही है वो F-35I प्लेन है, ये अमेरिका की तरफ से जो है वो इसराइल को ये फाइटर प्लेन्स दिए गए हैं और जो अभी हिजबुल्ला पर अटैक हुआ लेबनान के अंदर उसमें कहा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा F-35 प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया। और ये प्लेन्स की खास बात ये है नीलू कि इसमें इनमें एयर, एक वीडियो अभी इसराइल की तरफ से रिलीज किया गया जिसमें इस लेबनान पे हमले के दौरान एक F-35I जो फाइटर जेट है इसकी हवा में रिफ्यूलिंग की गई, मतलब हवा में इसमें जो है ऑयल फ्यूल डाला गया। तो अब देखिए, ये असल में ये इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन ये जो वीडियो, और वो भी कहा गया कि लेबनान के सीमा के अंदर एयर स्पेस में ये किया गया, तो ये एक प्रकार का मैसेज था जो कि इसराइल ने दिया कि भाई अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसराइल पे हमला करेंगे और बदले में आप बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है। तो ये एक मेंटल गेम भी पूरे इलाके में चल रहा है कि कौन कितने, किसके पास कितने ज्यादा हथियार हैं, कौन कितना एडवांस है। तो ये एक मैसेज था, एक वीडियो था जो इसराइल की तरफ से रिलीज किया गया। अब देखिए, इसी कड़ी में जो ये ड्रोन्स हैं जो आप बता रहे हैं, ये जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, अभी आपने देखा कि रूस पे भी एक इमारत में जो हमला हुआ था रोस्टोव में, वो ड्रोन से जो एक इमारत पे हमला किया गया, इसी तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल हिजबुल्ला भी कर रहा है, हमास भी कर रहा है और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में ये ड्रोन्स जो है वो नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान जो है वो हिजबुल्ला और हमास को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक जो है इसराइल के लिए पूरे इलाके में ओवरऑल दिक्कत का सबब बने हुए हैं। और दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज जितनी है, हुती, हमास, हिजबुल्ला, इनको फ्री हैंड दे दिया है। अच्छा, ये एक खबर आई है कि भाई पिछले कुछ समय से ये था कि ऐसा कहा जा रहा था, ईरान ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आप समय लें और उसके बाद फिर हमला हो इसराइल पे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि फुआज शुक्र की जो हत्या हुई उसके बाद से बड़ा जबरदस्त गुस्सा था नसरल्ला और हिजबुल्ला के जो लड़ाके थे उनमें, तो अब जो है ईरान की तरफ से इन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है कि भाई आप जैसा चाहें वैसा इसराइल पे हमला कर सकते हैं। उसी का नतीजा था कि ये जो पिछले दो दिन पहले जो इसराइल पे एक बहुत बड़े पैमाने पर हमला जो हुआ वो देखा गया।
बिल्कुल, तो वार पलटवार का दौर लगातार इसराइल, हिजबुल्ला, हूती, हमास, इन सब के बीच जारी है। अब ये जो जो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है वो किस तरफ आगे बढ़ती है, किस तरह से किसको कितना नुकसान पहुंचता है, क्या इसमें कभी शांति होगी या फिर वार पलटवार और वहाँ के लोगों का नुकसान होता रहेगा, इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।